परिहास कर रहे हैं आप? संतान तो माँ का अभिन्न अंग होती है, एक माँ अपनी संतान का दान कैसे कर सकती है? वैद्यराज, आप मेरे पुत्र को स्वस्थ कर सकते हैं तो? हम इसे स्वस्थ करने के लिए ही आए हैं, किंतु आपको अपना वचन निभाना होगा। मेरे पुत्र की दशा देख रहे हैं आप? ऐसी स्थिति में एक माँ अपने पुत्र को स्वयं से दूर कैसे कर सकती है? पुत्र की कुशलता के लिए ही तो माँ सब कुछ करती है। शुल्क देने का वचन हमने अवश्य दिया था, आपको उपचार का जो शुल्क चाहिए ले लीजिए वैद्यराज जी। किंतु माता पिता की पीड़ा को समझिए, यदि आप हनुमान का उपचार कर सकते हैं तो यही कीजिए। वचन दिया है आपने, अब आज अपने ही वचन से विमुख हो रहे हैं। एक मां की विवशता का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं आप। आप भी तो नारी है, एक माँ की पीड़ा समझ सकती है। समझाइए वैद्यराज जी को। बस, बहुत हो गया अपमान हमारा। वचन न निभाने का परिणाम अनर्थकारी भी हो सकता है। परिणाम चाहे जो भी हो, मैं अपने पुत्र को स्वयं से दूर नहीं करूंगी। वचन देना ही नहीं चाहिए यदि आप वचन निभा ही नहीं सकती। परंतु मुझे जो निभाना है वो मैं निभा के ही रहूंगा। सर्वनाश कर दूंगा अयोध्या का, हाहाकार मचा दूंगा अयोध्या में। हाहाकार मचाने के लिए तत्पर है ये माल्यवान, आप आदेश दे लंकेश। रक्षवीरों आगे बढ़ो। रुक जाओ लंकेश, गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। गुरुवर, अच्छा हुआ आप आ गए, विजय का आशीर्वाद दीजिए। लंकेश, तुम विजय की ओर नहीं विनाश की ओर जा रहे हो। विनाश अवश्य होगा गुरुदेव, परंतु आपके शिष्य रावण का नहीं, उस नर रूपी नारायण का। कदाचित तुम भूल रहे हो ऋषि अरण्य का श्राप। क्या तुम्हें स्मरण नहीं है कि अयोध्या में पांव भी रखा तो श्राप के कारण तुम्हारा अंत हो जाएगा। उचित कह रहे हैं आप गुरुदेव, परंतु उस नरूपी नारायण का अंत भी तो आवश्यक है। रावण, मैं दैत्य हूं, दानवों और राक्षसों का गुरु। इन सब की आशा भरी दृष्टि तुम पर टिकी हुई है दशानन, इसलिए तुम्हें कोई भी विवेकहीन कार्य करने से रोकना मेरा कर्तव्य है। आपका कथन सत्य है गुरुदेव, परंतु यदि तुम्हारे हाथों उस नारायण के अवतार की मृत्यु होगी तो वो अयोध्या में नहीं हो सकती।
यदि उसका वध करना है तो उसे विवश करना होगा कि वो लंका में आए। तुम्हारे हाथों उसकी मृत्यु लंका की भूमि पर ही हो सकती है और कहीं नहीं। यही विधि का विधान है लंकेश। सत्य कह रहे हैं आप गुरुदेव। मैं तो अभी से ही देख सकता हूं वो नर रूपी नारायण और उसका भाई मृत पड़े हुए हैं लंका की भूमि पर। मैंने स्वयं उन्हें अपने इन्हीं हाथों से मृत्यु दी है। ओम अग्नये स्वाहा। स्वाहा 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 स्वाहा। अब ज्येष्ठ महारानी कौशल्या आए जिससे आगे की विधि आरंभ की जाए। आपको यज्ञ के लिए बुलाया जा रहा है ज्येष्ठ रानी जी। तुम मुझे कौशल्या या रानी जी ही कहा करो। ज्येष्ठ संबोधन में अपना पंसा नहीं लगता सुमित्रा, किंतु आपके प्रति श्रद्धा और सम्मान मुझे आपका नाम लेने नहीं दे। तुम्हारे श्रद्धा भाव को मैं जानती हूँ सुमित्रा। कई अभी तक नहीं आई, यज्ञ आरंभ होने वाला है। आप पहुंची और यज्ञ विधि आरंभ कीजिए। मैं मंत्रा से कहकर रानी कैकेयी को यज्ञ के आरंभ होने की सूचना भेजूंगी। लंकेश, प्रणाम दैत्य गुरु। दूत, तुम्हें तो मैंने अयोध्या भेजा था, क्या सूचना लाए हो? लंकेश, अयोध्या में समस्त सूर्यवंशी निरति यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने शपथ ली है जब तक यज्ञ चलेगा तब तक कोई भी सूर्यवंशी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएगा। यदि ये यज्ञ सफल हो गया तो राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र को युवराज पद की प्राप्ति हो जाएगी। प्रसन्न कर दिया तुमने रावण को गुप्तचर। शुभ संकेत है ये तो। अब रावण से अयोध्या के सूर्यवंशियों और नर रूपी नारायण को कोई भी नहीं बचा सकता। पिशाच राज, पिशाच राज को भेजूंगा मैं अयोध्या में यज्ञ का विधस्व करने के लिए, सूर्यवंशियों का वध करने के लिए। और फिर उस नर रूपी नारायण का अपहरण करके उसे यहां लंका में लाने के लिए।
नारायण अवतार की सूचना पाकर रावण ने अन्य बालकों का वध करना तो रुकवा दिया है, किंतु अब वो अयोध्या पर आक्रमण करने के लिए अपने विशेष राक्षसों की सेना भेज रहा है। हाँ महेश्वर, अयोध्या में तो सबने निरुति यज्ञ के लिए निशस्त्र रहने की शपथ ग्रहण कर ली है, अब प्रभु श्री राम की रक्षा कौन करेगा? आप सब की चिंता निरर्थक नहीं, इस स्थिति में प्रभु राम की रक्षा एकमात्र हनुमान ही कर सकता है। लाल करता था जो मन को निहाल, माँ का जीवन धन हनुमान, बिछुड़े जैसे निकसे प्राण, माँ के अश्रु हो रहे व्यर्थ, हनुमत को बस राम से अर्थ। सबका करना मन का मंत्र यही है मंथरा का। महारानी कैकेयी, यज्ञ में कितने अतिथिगण उपस्थित होंगे, कुछ तो साज श्रृंगार कर लीजिए। हाँ रानी जी, ज्येष्ठ रानी जी ने ये वस्त्र और आभूषण भेजे हैं आपके लिए, आज के दिन के लिए ही तो उन्होंने विशेष रूप से आपके लिए बनवाए थे, इन्हें धारण करके आप बहुत सुंदर लगेंगी। सुंदर देखकर मैं क्या करूँ, मेरा राम वो तो उदास, पर जब तक राम उदास है मेरा मन कैसे लगेगा साज श्रृंगार। किंतु महारानी कैकेयी, इस प्रकार वहाँ महाराज के सामने पुराने वस्त्रों में। मैं ऐसी ही भली, सेविकाओं ये साज श्रृंगार का सामान तुम सब ले जाओ। किंतु मैं रानी जी को क्या उत्तर दूंगी? उन्हें उत्तर मैं दे दूँ, जाओ तुम सब। सुनना सबका करना मन का महारानी कैकेयी, आपसे बड़ी अभिनेत्री तो पूरे संसार में नहीं होगी। लगता है भरत मुनि से नाट्य शास्त्र का प्रशिक्षण लिया है आपने। मन का, तुम तो मेरे मन के मंत्र को भली भांति जानते, तभी तो मंथरा नाम है तुम्हारा। वो तो ठीक है महारानी कैकेयी, किंतु तनिक सच सवर लेती, महाराज देखेंगे तो क्या सोचेंगे? देखिए जल दर्पण में आपका मुखड़ा कैसा लग रहा है। ठीक ही है तुम्हारा अनुमान। हमारे भलाई के लिए इस यज्ञ का रोकना आवश्यक है। उस यज्ञ स्थल पर जाकर ही हम ये उपाय ढूंढेंगे कि यज्ञ भंग कैसे किया गया। था मेरा अनुमान।
अभी भी कामिनी कुरंग नैना विलासिनी लग रही हूँ। मंत्रा, महाराज के लिए मेरी इतनी सुंदरता भी पर्याप्त। चले चलो। स्नेह रीति का बड़ा पुण्य प्रताप मिलेगा। जीवन मार्ग निष्कंटक रहेगा। सूर्यदेव की भांति कीर्ति प्रकाश विस्तार पाएगा। सूर्यवंशी शिरोमणि कहलाएगा। यह यज्ञ राम के युवराज बनने में अत्यंत आवश्यक है। और यदि नीरीति यज्ञ में किसी भी प्रकार का विघ्न पड़ा और ये यज्ञ रुक गया तो राम कभी युवराज नहीं बन पाएंगे। मीका, बड़ी होने का कब तक लाभ उठाती रहेंगी ज्येष्ठ रानी जी? स्वाहा कैसे बैठी है महाराज के साथ? सुनना सबका, करना मन का, मंत्र यही है मंत्रा का। आज वो ज्येष्ठ बनकर सबका लाभ उठा रही है, कल उनका पुत्र लाभ उठाएगा। भले ही कुछ पलों से ही सही, किंतु ज्येष्ठ तो वो है ही सबसे। कैसी बातें कर रही हो तुम मंत्रा, इतना मत सोचा करो। सुनना सबका, करना मन का, मंत्र यही है मंत्रा का। तुझे कोई मेरी बात सुनता नहीं, किंतु मंत्रा का मंत्र तो यही है कि इस यज्ञ को रोकना ही होगा। सुनना सबका, कहना मन का। Thank you.
अपने से दूर नहीं ले जाने दूंगी। मैं जानती हूँ तुम भी अपनी माँ के बिना नहीं रह पाओगे। कह दो कि मैं नहीं जाऊंगा अपनी माँ को छोड़। कह दो इनसे सब, कह दो कि तुम नहीं जाओगे। महारानी जी अपने वचन का पालन कीजिए। जाने दीजिए हनुमान को हमारे। कैसे जाने दो, इसकी दशा तो देखिए। एक तो अबोध बालक, ऊपर से व्याधि से ग्रस्त, इसे तो इतना भी ज्ञान नहीं कि ये सदैव के लिए हमसे दूर जा रहा। वैद्यराज यदि कुछ दिनों के बाद उसे तो मैं ही सदैव के लिए हम भी अपने हनुमान के बिना नहीं रह पाए। बस आप सब अपराध कर रहे हैं वचन तोड़ने का। अंजना क्या तुम भूल गई, ऋषि वर्मतंग ने कहा था कोई स्वयं ही आएगा हनुमान को इस स्थिति से उबारने के लिए। किंतु ये तो उबारने के स्थान तेरे पुत्र को मुझसे छीन लेना चाहते। वैद्य जी आपको हनुमान को स्वस्थ करना है तो यहीं पर कीजिए जैसे पूर्व काल में किया था। उसे यहां से ले जाने की क्या आवश्यकता है। अंजना यदि कोई संकट होता तो ऋषिवर मतंग हमें पहले ही अवगत करा देते। हनुमान को स्वस्थ करने के लिए हमें यह त्याग करना होगा, अन्यथा यदि हनुमान अस्वस्थ रह गया तो क्या होगा। ठीक है वैद्यराज, ले जाइए हनुमान को। किंतु मेरे पुत्र के साथ ही मुझे भी साथ लीजिए। ये कदापि संभव नहीं है महाराज। देवी आप तो एक माँ की पीड़ा का आभास कर सकती हैं। आप समझाइए वैद्य जी को, कोई माँ अपने पुत्र के बिना कैसे रह सकती है। पिशाचराज, रावण को तुम्हारी आवश्यकता है, प्रकट हो। प्रणाम लंकेश, आपने मुझे स्मरण किया, अवश्य ही कोई विशेष कार्य होगा।
पिशाच राज, तुम्हारा प्रिय कार्य है पूजा और यज्ञ में विघ्न डालने का। वही करना है तुम्हें। अयोध्या जाकर वहां पर होने वाले यज्ञ को विध्वस्त करना है तुम्हें, और फिर अयोध्या नरेश के ज्येष्ठ पुत्र का अपहरण करके उसे यहां लंका में लेकर आना है। बस इतना सरल कार्य? सरल कार्य नहीं है ये। सरल कार्य समझने की भूल ना करना इसे। दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र महाछल्य नर रूपी नारायण है। वो छल और बल से कभी भी तुम्हें दुविधा में डाल सकता है, इसलिए सावधान कर रहा हूं मैं तुम्हें। आपका कार्य हो जाएगा लंकेश। अमावस्या की काली रात्रि काल बनकर आएगी अयोध्या के लिए, और उसी रात महाआक्रमण होगा अयोध्या पर। ओम अग्नये स्वाहा, ओम यज्ञ देवाय नमः। स्वाहा। राजन, कौशल कुमारी, आप दोनों ने संकल्प कर अपने कर कमलों से यज्ञ आरंभ कर। अब आप राजकाज हेतु उठ सकते हैं। आगे की विधि के लिए आवश्यकता पड़ने पर आपको पुनः बुला लिया जाएगा। बस आपको यज्ञ संपन्न होने तक अहिंसा के प्रण का पालन करना होगा। जैसे आपकी आज्ञा गुरुदेव। मात्र मैं ही नहीं, संपूर्ण अयोध्या इस वचन का पालन करेगी। प्रणाम गुरु। कल्याण। ये यज्ञ सफल नहीं होने दूंगी मैं। राम कभी भी युवराज नहीं बनेगा। अर्थात आप सब में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी पीड़ा समझ सकता है। आप सबको मेरी पीड़ा दिखाई नहीं देती। किंतु मैं जानती हूं है कोई ऐसा जो मेरी पीड़ा समझता। जिसने सदैव मेरे दुख हरे। महारानी जी, आप जो कर रही हैं सोच विचार कर ही करें। मान जाओ अंजना। क्या कोई और उपाय नहीं है स्वामी, जिससे माँ की ममता भी आहत ना हो और हनुमान स्वस्थ हो जाए? नहीं देवी, हनुमान की इस व्याधि का एक ही उपचार है, और इस उपचार के लिए उसे यहां से लेकर जाना ही होगा। महारानी जी, आपके वचन निभाने में ही हनुमान की भलाई है। आप सब तो रहने ही दीजिए, मेरे हनुमान का भला मेरे महादेव करेंगे। द्वारिका जी, माँ के लिए इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो कि उसे अपने पुत्र को सदा के लिए स्व
स्वयं से दूर भेजना पड़े। किसका क्या कर्म होगा, कौन कब किस पथ का अनुसरण करेगा, ये सब नियति ही निर्धारित करती है। इसीलिए यदि नियति ने हनुमान को राम से मिलाने का, उनके साथ रहने का विधान किया है तो ये होकर ही रहेगा। प्रिय, हनुमान को अपने परिवार, प्रजाजनों और सुमेरु को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। हे करुणा निधान, हे दया के साथ दया करिए प्रभु, मेरे जीवन दीप की ज्योति है मेरा हनुमान, मेरे हृदय का प्राण है हनुमान, उसे पूर्व की ही भांति सामान्य कर दीजिए, जिससे कि मुझे हनुमान को वैद्यराज जी के साथ ना भेजना पड़े। कृपा करिए प्रभु, कृपा करिए। देवी अंजना, वनराज केसरी, भूत भवन भगवान शंकर और माता भवानी का संदेश लेकर आपके पास आया हूँ और उन्होंने अपने आशीर्वाद के रूप में ये प्रसाद भेजा है। हे करुणा कर, हनुमान आपका ही आशीर्वाद है मेरे लिए, यदि इसे इस भांति ही जाना तो आपने इसे मुझे दिया ही क्यों। हे प्रभु, आपको इस भक्त की गुहार सुननी ही होगी। मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दीजिए, मेरे पुत्र, कृपा कीजिए, स्वस्थ कीजिए मेरे पुत्र को, ठीक कीजिए उसे। मैं अपने पुत्र का दान नहीं कर सकती। स्वस्थ करना ही होगा, तेरे पुत्र को स्वस्थ कर दीजिए। प्रकट हो।
में आपका ही आशीर्वाद है महादेव, कि आज आपने रावण के बाद देव घातक एक अग्नि अस्त्र है और इस अस्त्र की प्रथम भेंट आपके चरणों में समर्पित है। बस इतना आशीर्वाद प्रदान करें महादेव कि जिस कार्य को संपूर्ण करने के लिए इस अस्त्र का निर्माण हुआ है वो सफल हो। बोलिए नाना श्री, क्या समाचार लाए हैं आप? लंकेश, पिशाच राज अपनी समस्त सेना के साथ नारायण के नर अवतार का अपहरण और निरुति यज्ञ को भंग करने के लिए निकल पड़े हैं और शीघ्र ही वे सब अयोध्या नगरी को घेर लेंगे। उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम। असुरों को तो हमेशा रोक लेते हैं सब, परंतु पिशाचों को कैसे रोक पाएंगे? राजा दशरथ, अब तुम्हारा और तुम्हारे अयोध्या का विनाश निश्चित है। मैं अपने पुत्र का दान नहीं कर सकती, आप मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दी। हनुमान, हनुमान, क्या चाहते हो तुम कौशल्या? तुम्हारे उतावलेपन से राम के भविष्य का नाश हो जाएगा। पापी, मैं तो मात्र इतना चाहती हूं कि राम इन दिनों अत्यंत विचलित एवं उदास रहने लगा है। हमें सर्वप्रथम उसके स्वास्थ्य के विषय में सोचना चाहिए। किंतु यज्ञ के समापन के विषय में भी हमें सोचना है। तुम्हें स्मरण नहीं कुलगुरु वशिष्ठ ने क्या चेतावनी दी थी? यदि यज्ञ में कोई बाधा आ गई तो राम कभी युवराज नहीं बन पाएगा। परंतु स्वामी, राम का इस प्रकार विचलित रहना भी तो राम के स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं। तुम चिंता मत करो, राम शीघ्र स्वस्थ हो जाएगा। मैं कुछ करता हूं। सुनना सबका करना मन का मंत्र यही है मंथरा का, यही है अवसर ज्येष्ठ रानी जी से बात करने का। ज्येष्ठ रानी जी, प्रणाम। ज्येष्ठ रानी जी, कहो मंथरा। असत्य बात आए तो जीवा कट जाए, पुत्र ही तो सब कुछ है ज्येष्ठ रानी जी। पुत्र को ही कुछ हो गया तो सब कुछ व्यर्थ है। यज्ञ के पूर्व राम का उपचार ही आवश्यक है, किंतु
महाराज की इच्छा भी तो नहीं डाल सकते। माता पिता का कर्तव्य होता है संतान के वर्तमान और भविष्य को संवार। महाराज की दृष्टि राम का भविष्य संवारने पर और मैं राम का वर्तमान संवारने का प्रयत्न कर रही हूं। तुम सुधारती रहो पटरानी, बिगाड़ने के लिए मैं शीघ्र ही कुछ करूं। हनुमान, हनुमान कहाँ है? कहाँ है मेरा पुत्र? यही तो था तुम्हारे पास। हनुमान, हनुमान में मुझे छोड़कर। अंजना, संभालो स्वयं को, यहीं कहीं होगा हनुमान। हनुमान, मित्र, हनुमान, हनुमान, मित्र, हनुमान, मित्र, हनुमान, हनुमान, हनुमान। तुम्हारा प्रिय भोजन दही चूड़ा। बड़ी माँ, आ गई तुम्हारी बहन की कवि। मुझे दीजिए राम भाई, मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ। Yeah.
क्या हो गया है मेरे पुत्र राम को? ऐसा लगता है जैसे वो यहाँ रहकर भी यहाँ नहीं। न प्रिय भोजन दही चूड़ा देखकर भी उसके मुख पर प्रसन्नता का कोई भाव नहीं। कब ठीक होगा मेरा राम? तुम्हें हो क्या गया है राम? तुम क्यों इतने उदास रहते हो? महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। हनुमत लिखते राम का नाम मेघ वो जाते प्रभु के धाम। राम देखते अपना नाम मन में मुदित हुए सुख धाम। दूर है हनुमत अपने प्रभु से राम दूर है महाभगत से। हनुमत राम मिलन की घड़ी करती सृष्टि प्रतीक्षा बड़ी। महाबली हनुमत की रुचि कर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली। ये क्या राम? नीतू की ऐसी आकृति? सत्य बात आए तो जीभा कट जाए। कैसी लीला है मेघों की? ये मेघों की लीला हो या जिस किसी की भी, ने मेरे उदास राम के मुख पर प्रसन्नता ला दी। उसे मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। देख लिया आपने अपने पुत्र की दशा? क्या अब भी आप यही चाहती हैं कि ये इसी स्थिति में यहां रहे या मेरे साथ जाकर स्वस्थ हो जाए? अब हनुमान की दशा शोचनीय हो चुकी है। इसे स्वस्थ करने के लिए जो भी करना पड़े तो वो करना ही होगा। अधिक विलंब अनर्थ का कारण बन सकता है महारानी। Thank you.
एकमात्र उपाय हनुमान के स्वस्थ हो जाने के लिए, तो इसे ले जाइए। किंतु इसे स्वस्थ अवश्य कर दीजिए। मेरे पुत्र पर ही नहीं, मुझ पर भी बहुत बड़ा उपकार होगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा महाराज। विदा होने से पूर्व एक बार इसे जी भर के निहार तो लो, ना जाने फिर कब भेंट हो। दिया मैंने आपको दान, रोते रोते दिए गए दान का कोई अर्थ नहीं होता। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मन पर रख कर भारी पत्थर, पुत्र को अपने दिया दान कर। अंजनी का अद्भुत बलिदान, इसमें छिपा है जग कल्याण। राममयी हनुमत को पाकर, हर्षित मन में गौरी शंकर। जय हो राम, राम की भक्ति, बोलो जय जय अंजनी सुत की। राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। शीघ्र ही स्वस्थ हो जाते, और जैसे वैद्यराज जी रखेंगे वैसे ही रहना। रहोगे ना? अब हमें यहां से अपनी आगे की यात्रा आरंभ करनी है। आप लोग अब वापस लौट जाइए। का स्मरण तो ये गाथा महाबली।
बल हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। कठिन तपस्या पाया सुत को अपने वचन से खोए उसको पुत्र ही था जीवन आधार शून्य हुआ माँ का संसार सुने भवन कली चौबारे मन में छाए हैं अंधियारे महादेव का खेल निराला माता के मन को मत डाल। अंजना चलो वापस चलो हनुमान स्वस्थ होने के लिए जाए। देवादी देव तो हनुमान को लेकर एक क्षण में सुमेरु से अयोध्या पहुंच सकते थे, फिर वो साधारण मनुष्य की भांति पैदल से चल रहे हैं, उन्हें इस लीला की क्या आवश्यकता है? प्रिय, हनुमान के पास इस समय राम नाम का अमृत है जो महामंत्र है। इसकी ध्वनि जहां भी गूंजती है वो क्षेत्र पवित्र हो जाता है। यही नहीं, राम की रक्षा के लिए रुद्र और रुद्रांश का एक साथ होना, उनका दर्शन देव दुर्लभ है। भले ही वो दर्शन वैद्य और वैद्यनी के रूप में हो या देव के रूप में, इस अमृत और इन दर्शनों का बहुत बड़ा पुण्य इस जगत को प्रदान करने के लिए ही शिवजी ने ऐसा निर्णय लिया है। रुद्र और रुद्रांश के इन अभूतपूर्व दर्शनों को हमारा भी प्रणाम, हमारा भी प्रणाम, हमारा भी प्रणाम। शिवजी के कांधे पे बैठ के हनुमत जाते अपने राम के द्वारे, जाते अपने राम के द्वारे। मात जगदम्बा की पावन छाया में राम मई अंजनी दुलारे, राम मई अंजनी दुलारे। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। भेष बना कर ब्रह्मा जी आए राम का नाम वो भी उच्चारे, राम का नाम वो भी उच्चारे। रुद्र बने रुद्रांश के वाहन ऋषि ये पावन देखन हारे, ऋषि ये पावन देखन हारे। शिव जी के कांधे पे बैठ के हनुमत, जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। दर्शन हेतु देव गण आए जात त्रिमूर्ति के पंथ निहारे, जात त्रिमूर्ति के नृत्य करें और वाद्य बजावे चाहिए कौन विचार विचारे, चाहिए कौन विचार। मन नमन राम, मन नमन राम, मन मगन राम, मन गगन राम। मन नमन राम, मन नमन राम, मन मगन राम, मन गगन राम। मन नमन राम, मन नमन राम, मन मगन राम, मन गगन राम।
भगति राम यह जगति राम मन नमन राम मन रमन राम मन नमन राम मन रमन राम मन मगन राम देव रुद्र के कांधे पर रुद्रांश, ऐसे अभूतपूर्व दृश्य को देखने से हम रोक नहीं। आप सबके इस मनोहारी दर्शन से हम भी धन्य हो गए। आप सबको प्रणाम। शिव जी के कांधे पे बैठ के हनुमत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो राजन एक बात का विशेष स्मरण रहे। अवश्य गुरुदेव बताइए। इस यज्ञ की अग्नि की पवित्रता का विशेष ध्यान रखना। अग्नि के माध्यम से हम जो भी वस्तु आहुति में अर्पण करेंगे वो सीधा देवताओं तक पहुंचता है, तब यज्ञ का उत्तम फल प्राप्त होता है। किंतु यदि हवन सामग्री या यज्ञ की अग्नि में अशुद्ध वस्तु या सामिश पदार्थ डाल दिया गया तो यज्ञ भंग हो सकता है। अब राम के युवराज बनने के लिए यज्ञ का फल प्राप्त नहीं हो सकेगा। ऐसा ही होगा गुरुदेव। मैं और मेरे समस्त कर्मचारी पूर्ण सजगता के साथ इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस यज्ञ में किसी भी प्रकार का विघ्न उत्पन्न ना हो और साथ में इस यज्ञ की पवित्रता भी बनी रहे। प्रणाम। शुभम अस्तु। मंत्री सुमंत युद्ध जीत। जी महाराज। समस्त सेवकों को पूर्णतः सजग रहने का आदेश दे दीजिए। हवन सामग्री आदि की शुद्धता के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। जी जयश्री अवश्य ऐसे ही होगा। यज्ञ तो भंग होकर रहेगा गुरु वशिष्ठ, मेरे भरत के रहते राम को युवराज बना दिया जाए, वो भी मात्र इस कारण कि वो भरत से कुछ ही क्षण बड़ा है। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। हनुमान तुम्हारी भक्ति अद्भुत है और अनुपम होगा वो क्षण जब प्रभु राम से तुम्हारा मिलन होगा। भक्त और भगवान का मिलन। नारायण नारायण। महाबली
महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। महिमा अगम अपार नाम की। ये हनुमान को क्या हो गया? हनुमत के रघुवीर राम। क्या करने जा रहा है हनुमान? शुभ में राम, सहज में राम, सत्यम शिवम सुंदरम राम। दृश्य अदृश्य सकल जग राम, राम है अखिल लोक के धाम। हनुमत जपते राम ही राम, अंकित करते पुष्प से नाम। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। तो आप समझ ही गई होंगी कि क्या करने जा रहा था हनुमान। हाँ स्वामी जी। राम, राम। हनुमान ने भक्ति की पराकाष्ठा को छू लिया है। देवी, जब भक्ति अपने चरम पर पहुंचती है तब भक्त को कण कण में भगवान दिखाई देने लगते हैं। भक्त को जो भी अच्छा लगता है वो अपने भगवान को समर्पित कर देता है। हनुमान ने भी ये पुष्प अपने भगवान को समर्पित किए हैं। क्षेत्र की भूमि तो मरुथल के समान उर्वरा शक्ति से शून्य हो चुकी है। चल, मुझे चल चाहिए। चल, 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 प्राण दे दो। चल ना, प्राण निकले जा रहे हैं। चल कहाँ मिलेगा? चल, चल, ईश्वर दे दो। चल पिला दो कोई। इसलिए ये सब इस धरती को त्यागने के लिए विवश हुए हैं। तो सूखता ही जा रहा है। कौन है? ईश्वर। आप उस अभिशप्त भूमि की ओर कहाँ जा रहे हैं? वर्षों से वर्षा नहीं होने के कारण अकाल पड़ा हुआ है। सभी अपना घर बार छोड़कर अन्यत्र जा रहे हैं। हम तो कुछ क्षण यहाँ विश्राम करके आगे चले जाएंगे। हम यहाँ ठहरने नहीं आए हैं। यहाँ के रहवासी बिना जल के मृत्यु के मुख में जा रहे हैं और आप यहाँ विश्राम करने की सोच रहे हैं? यहाँ दूर दूर तक न ही जल मिलेगा और न छाया। देखिए, देखिए यहाँ की दुर्दशा देखिए। चल, एक घुट जल पिला दो कहीं से, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। हे भगवान, अब कहाँ से लाऊं मैं जल? हे भगवान, रक्षित कर लीजिए मेरे स्वामी को, रक्षित कर लीजिए। प्रिय, मुझे विश्वास है राम नाम की महिमा इस धरती का उद्धार करेगी। कोई है? रक्षित करो। No.
तुम्हारे बालक पर भी सूखे का प्रभाव पड़ रहा है। उचित होगा उसे यहाँ से ले जाइए। शीघ्र ले जाइए इस बालक को यहाँ से, ये बावला हुआ जा रहा है प्यास के कारण। ये प्यास भक्ति की है जो प्रभु मिलन से ही बुझेगी। प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान। मान लो भैया, चले जाइए यहाँ से, अन्यथा जल की एक एक बूंद के लिए तरस जाइएगा। प्रभु श्री राम जय हनुमान। कैसे फटने लगी है कहे? अभी तो चल के बिना ही मर रहे थे, अब न जाने कौन सा संकट आने वाला है। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, राम नाम की। ये क्या चमत्कार है, ऐसा चमत्कार, इसे जल निकल रहा है, जल आ रहा है, इसे जल आ रहा है, जल आ रहा है। करे माँ जल बिन तड़पे, कोटि कोटि जन संकट हरते, संकट मोचन। सूखी भूमि पे पावन अक्षर, जलमय करते नाम खींच कर, दो अक्षर का नाम मो जग में देता अमृत को। पिताजी जल। धन्यवाद प्रभु, मुझे नवजीवन मिला। राम मन रमन राम मन मगन राम मन गगन
सब हनुमान की राम भक्ति का चमत्कार है कि सभी गांव वाले अपने घर बार और अपनी धरती छोड़ने से बच गए। मन नमन राम, मन रमन राम, मन मगन राम, मन गगन राम, ही हरन राम, चरण राम, लई लगन राम, लई लगन राम, सब शरण राम। अवश्य कोई देवी देवता है। अब तो वैद्य और इस बालक के उपचार के लिए अयोध्या जाए। मन नमन राम, मन नमन राम, ये चमत्कार पता है किसने किया? मन मगन राम, हरन राम, लगन राम, सब शरण राम। ये चमत्कार राम नाम के प्रताप से हुआ है। मन नमन राम, समस्त दुखों का निदान है राम का नाम। राम 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 स्वामी, अब हमें शीघ्र ही अयोध्या की ओर बढ़ना चाहिए। बस हो गया विश्राम। अब हमें शीघ्र आगे जाना है। आप जो भी हैं हमारे लिए तो भगवान बनकर आए हैं। राम राम नाय, ये क्या कह रहे हैं आप नाना श्री? ऐसा कौन सा वैद्य आ गया है जो उस वानर बालक को अयोध्या की ओर ले जाए? हिमालय से आया कोई वैद्य है वो। लंकेश, दूतों से ये भी ज्ञात हुआ है कि वो वानर मार्ग में किसी अकाल ग्रस्त स्थान पर गया था और वहां उसने अपनी वरदानी शक्ति से नदी बहा दी। नदी कैसे बहा सकता है? किंतु ये सत्य है लंकेश। दूतों से ये भी ज्ञात हुआ कि वो वानर नारायण के उस नरवतार की भक्ति में लीन होकर बावला सा हो गया है। वो अपने घर परिवार को भूल चुका है। कदाचित उस वानर के उपचार हेतु वो वैद्य उसे अयोध्या लेके जा रहा है। सांस सांस में धड़के राम, मन में राम, भजन में राम, जिह्वा राम राम बस जाने, नेत्र सभी को राम ही माने, ऊपर राम ज्योति में राम, कण कण में अंकित है प्रतीक्षा, शिव जगदम्बा राम मिलन में मोह विलंबा। गाथा महाबली हनुमत की, रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। स्वामी, ये कैसी दशा हो गई है राम की? एक क्षण प्रसन्न होता है तो अगले एक क्षण उदास हो जाता है। व्यर्थ की चिंता मत करो कौशल्या। हाँ, खुश नहीं हुआ है हमारे राम। देखना आप, शीघ्र ही राम अपने स्मित हास्य से पूर्व की भांति ही हमें आनंदित कर दे। परंतु ऐसा कब होगा सुमित्रा?
अब राम की उदासी मुझसे सहन नहीं होती। मेरे नेत्र तरस रहे हैं मेरे पुत्र राम के खिले हुए मुखड़े को देखने के लिए। कौशल्य, मैंने हर नगर हर राज्य में संदेश भिजवाकर बड़े से बड़े वैद्य विदूषक कापालिक और नट को बुलवाया है और पहले ये घोषणा कर दी है कि जो भी हमारे पुत्र राम को स्वस्थ कर देगा या उसके मुख पर पूर्व की भांति प्रसन्नता लाग देगा उसे पुरस्कार स्वरूप हमारा आधा राज्य भेंट कर देंगे। किंतु तब तक तुम्हें धैर्य धरना होगा। हम अपनी यात्रा के अंतिम चरण में हैं। वो रही सामने अयोध्या नगरी। आभास हो जाता है कि उसके भगवान उसके कितने समीप हैं। शीघ्र ही हनुमान से होगा मिलन राम का। संकट मोचन की लीला महा यह तारक मंत्र सूत्र हुआ रे। तारक मंत्र सूत्र हुआ रे। काज किए बड़ देवन के तुम राम काजू से अवध को पधारे। राम काजू से अवध को पधारे। शिव जी के कांधे पे बैठ के हनुमंत जाते अपने राम के द्वारे। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। ये लोग कौन है? जैसे आज कुछ विशेष होने वाला है। इतने लोग तो पहले से आए हुए हैं। रुकिए। भैया, हम बड़ी दूर से आए हैं, हमें राजकुमार राम से मिलना है। श्री राम, जय श्री राम, बोलो केसरी नंदन, जय हनुमान, प्रथम मिलन
राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।